है कि वो आपके यहाँ जाने से गाने पे उठ रहा है। हाँ ऑफकोर्स ये तो होना ही था, मुझे पता था जब भी एंड होगा तो ये वाला गाना तो आना ही है और ये डांस होना ही है। तो हाँ मज़ा आ रहा है, हम लोग ने आई थिंक हर महीने एक डांस किया ही है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 18-20 तो डांसेस हमने कर लिए हैं एंड दिस इज़ द स्पेशल एंड द लास्ट वन। हाँ अभी तो मैंने कुछ हाथ में लिया नहीं है, तो अभी एज एन एक्टर ऑल्सो एक थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप 1.5 साल से रोज़ एक ही एक कैरेक्टर कर रहे हो। तो आई एम श्योर आप लोगों ने मेरे फैंस ने हमारे इस शो के फैंस ने जिस तरह इस शो को सराहा है और मेरे पिछले शोज़ को भी, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू समथिंग वर्थ वॉचिंग फॉर श्योर। तो प्लीज़ वेट करिए एंड होप कि मुझे कुछ अच्छा मिले। सबसे अच्छी बॉन्ड मेरी, क्योंकि मेरी माँ है जो ऋचा जी जो मंजुला, उसके साथ और मेरी बेटी के साथ हमारे बहुत अच्छे बहुत सारे सीन्स हुए थे, इसलिए वक्त बहुत सारा गुजारा उनके साथ, तो ऑफकोर्स उनके साथ स्पेशल बॉन्ड हो गई। और एक दीपक करके कैरेक्टर था शैलेश, उनके साथ एक्चुअली तो सबके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, हमने बहुत सारी पार्टीज़ की है, सेट पर भी की है, बाहर भी की है, सो इट वॉज़ अ गुड जर्नी। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ याद करने वाली हूँ सबको, लेकिन जब भी शो को याद करूँगी मेरे चेहरे पर एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई हैव डन क्रिएटिवली एंड द पीपल ऑल्सो एवरी थिंग वॉज गुड ऑफ दिस शो। हाँ ऑफकोर्स डिनर रखा हुआ है तो आएंगे सब लोग, आई होप सब लोग आए क्योंकि इस सेट पर तो ये हमारा लास्ट मीट होगा, बाकी हम बाहर मिलते रहेंगे पर इस सेट पर डेफिनेटली लास्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी बहुत ही ज़्यादा इस कैरेक्टर को मैंने जिया, एक तरफ से बहुत कुछ साया मैंने वाइल प्लेइंग साहिल, इमोशनली फिजिकली, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा मेरा। आई थिंक इट्स माई बेस्ट टिल डेट, हालांकि 4-5 साल हुए, बट यू नो हम यही कहते हैं कि एज एन एक्टर हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि हमने बेस्ट दिया है, मुझे लगता है मैंने बेस्ट दिया है, कोशिश बहुत की है और बहुत अटैच हूँ मैं इस कैरेक्टर से, इस शो से, इस सेट से, और कहने की तकलीफ भी हो रही है अंदर, फीलिंग लिटिल सैड अबाउट इट रैपिंग अप। एट द सेम टाइम ऑनेस्टली जो मेरी कहानी थी शुरुआत से वो मुझे पर्सनली लग रही थी कि एक फाइनाइट सीरीज़ होना चाहिए था ये, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार बनती नहीं है, तो अगर ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं बनती है तो उसे एक एक हद तक दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि वी जस्ट कीप एडिंग एलिमेंट्स। एक बड़ी उम्र की औरत और एक छोटे लड़के की कहानी बार बार दिखाई नहीं जाती हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हमने सबको गलत प्रूफ कर दिया इस शो के ज़रिए आपके आ जाने से, कि एक बड़ी उम्र की औरत और एक छोटे आदमी का रिश्ता भी बन सकता है, प्यार को कोई सैक्रिफाइस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्यार करते हो तो ये मत सोचो एज, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ब्लैक, वाइट, जस्ट गो फॉर इट यार, बिकॉज तुम्हें अपनी ज़िंदगी काटनी है उसके साथ। तो ये सब इमोशंस लेकर मैंने शो की शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं इस किरदार को निभाया था। हालांकि आज लास्ट डे है, दुख बहुत है क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ मेरे डायरेक्टर से, मेरे क्रू से, बहुत सारे कास्ट के लोगों से, तो तकलीफ़ होगी, रोना बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, बट बैक टू अनसर्टेनिटी, बैक टू नॉट नोइंग व्हाट इज़ इन स्टोर इन लाइफ। मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ एक चीज़ की सर्टेनिटी होनी चाहिए और वो है अनसर्टेनिटी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़, जैसे अभी लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करूँगा इसके बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं एक बैकअप के बाद कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, किससे मिलने वाला हूँ, कौन सा शो करने वाला हूँ, नो आइडिया। तो मैं ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ, बट 1 साल 6 महीने का जर्नी रहा है, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 400 एपिसोड्स किए हैं, और मेरा पहला शो था लीड जो मुझे मौका दिया बोधी क्लीन है, पर्सिस माई क्रिएटिव डायरेक्टर आई लव एंड द चैनल, बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं सर सब, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ मैंने सहे हैं शो पे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मैंने लोगों को दी भी हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद मेंटली और फिज़िकली फील नहीं कर रहा था, तो आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट एनीवन एंड टू द मीडिया पीपल एज़ वेल। अगर मैंने आपको बोला था कि मेरे सामने से हट जाओ, तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि हट जाओ, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं परफॉर्म करते करते एक मार्क ले लेता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि पीछे कोई हिले, सो आई एम वेरी सॉरी टू यू गाइस। उसके अलावा थैंक यू व्यूअर्स को, आपने इतना साथ दिया हमारे शो को, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मेरा शो 3 महीने से ज़्यादा चलेगा नहीं, बट वही मेरा चैलेंज था, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स और चैनल को बोला था कि मैं फुल कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक लंबी कहानी दिखा पाऊँ अपने एक्टिंग के ज़रिए लोगों के साथ, एंड आई थिंक इट्स बीन ग्रेट। साहिर वेदिका की कहानी ऐसी कहानी है जो
जो शायद से फिर से कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि हमने इतनी इंटेंसिटी और पैशन से इस कहानी को परफॉर्म किया है, एग्जीक्यूट किया है हमारे डायरेक्टर शशांक सर के जरिए भी, कि आई डोंट थिंक एनी वन इज़ गोना मेक अ शो लाइक दैट एनीमोर बिकॉज वी हैव डन इट सो वेल पर्सनली आई थिंक. एंड अगर बनता भी है तो अच्छा है, नहीं भी बनता है तो भी अच्छा है. जी इस सेट को क्योंकि देखने जाओ तो आप घर से ज़्यादा वक्त सेट पे बैठा, हिंदी थोड़ी वीक है, यू स्पेंड मोर टाइम ऑन सेट देन एट होम. तो सेट को, लोगों को, क्रू को, कास्ट को, मेरे डायरेक्टर को, मेरे स्पॉट वाले को जिन्होंने मेरा जो खाना लाते हैं, प्रोडक्शन को जिन्होंने इतनी सारी मेहनत की हम सबके लिए, आई थिंक एवरी वन, हम शो को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियल हीरोज़ ये हैं जो रोज़ हमसे पहले आते हैं, सब कुछ साफ़ करते हैं. अगर एक लाइटिंग रेडी नहीं है तो हम शॉट नहीं दे पाएंगे. सो द रियल हीरोज़ आर दीज गाइज़. इफ़ यू कैन पैन योर कैमरा देयर, जो अभी भी काम करें ताकि हमारा शॉट परफेक्ट लगे, दीज आर द रियल हीरोज़. हम सिर्फ शो को रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्टर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं जिसको मैं मिस करने वाला हूँ, सबको करूँगा, बट सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे डायरेक्टर को शशांक सर, बिकॉज ही वेंट टू डू अनदर शो एंड ही केम बैक, एंड वो प्यार था जो साथ में लेके आया. सो स्टार्ट टू फिनिश मैं रहा हूँ यहाँ, शशांक सर रहे हैं, बाकी सब कास्ट जो रिप्लेस हो गई थी वो भी आज शायद से आएंगे, बट आई थिंक साहिल, वेदिका एंड दी एंटायर कास्ट ऑफ आपके आ जाने से, एंड द क्रू हैव डन अ मैग्निफिसेंट जॉब, एंड आई कुडंट बी प्राउड ऑफ.